बेटे को लेके आ रहे थे और उनके साथ उनकी एक रिलेटिव भी थी। जो प्रथम दृष्टिया पता चला है कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था, वो सर गंगाराम ने जैसा पूछने पे उनके द्वारा बताया गया कि सर गंगाराम में दिखा रहे थे, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। तो आस्था के चलते वो यहाँ पे एक बार दर्शन कराने और गंगा स्नान कराने लेके आ रहे थे और ऐसे में ड्राइवर द्वारा बताया गया कि रास्ते में थोड़ी देर तक तो बच्चा कुछ आवाज़ वगैरह आ रही थी, बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके बाद आवाज़ नहीं आई। तो वो लोग यहाँ पे लेके आए, स्नान करा रहे थे, स्नान कराते समय लोगों को उसकी तरफ रश किए और लेके हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल में बच्चे को मृत डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि बच्चे को ब्लड कैंसर था, ये सारी बीमारियां थी। तो ये यहाँ पे स्नान कराने लेके आ रहे थे जी। जो बाकी वहाँ से सर गंगाराम की जो रिपोर्ट है उसको भी मंगा के हम लोग तहकीक कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा और बच्चे के पीएम के लिए कार्रवाई शुरू करें। सर क्या इसके माँ बाप जो किसी बाबा के संपर्क में थे उन्हीं की एक आस्था की बात होती है कि अगर डॉक्टर जवाब दे दिया तो वो ये सोचे कि यहाँ पे लेके आएंगे, स्नान कराएंगे और दर्शन वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, बच्चा रहेगा बच्चे। सर वीडियो है कुछ जो आ रही है की स्थिति भी हल्की पड़ी। देखिए प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि ये कुछ अजीब सा है, लेकिन जब सारी चीज़ें तस्दीक की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आए। बाकी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको तस्दीक किया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट नंबर वेट। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई करेगी उन रिपोर्ट्स को तस्दीक कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो ब्लड कैंसर की बात सामने आ रही है अगर वो सही पाया जाता है तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं। अगर नहलाने के दौरान ठंड की वजह से ये तो एक जब डॉक्टर जवाब दे दिया तो आस्था की वजह से यहाँ पे लेके आए थे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। प्रारंभिक पूछताछ में इन और ये अपने बेटे को जो ब्लड कैंसर हो रखा है तो उसको सर गंगाराम में काफ़ी दिनों से दिखा रहे थे और डॉक्टर ने लगभग जवाब दे दिया था तो उसके बाद ये एक आस्था के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेके आए थे। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.